इस बात में कोई शक नहीं कि इस दुनिया में कई तरह के एनिमल्स पाई जाती हैं, जिसमें छोटे एनिमल्स भी आती हैं और बड़े एनिमल्स भी। लेकिन वाकई में इस दुनिया में किसी भी एनिमल्स को छोटा समझने की गलती कभी मत करना, क्योंकि इस दुनिया में कई ऐसे छोटे एनिमल्स पाई जाती हैं जो बहुत ही खतरनाक और जहरीली भी होती है, और इनका जहर एक इंसान को मौत की नींद सुला सकता है। तो आज की वीडियो में जानने वाले कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में, बस आपको हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक पर है ब्लू ग्लोंकस अटलांटिक फिश। यह ब्लू कलर की दिखने वाली एक मछली होती है जो दिखने में बहुत ही अजीब लगती है। और हाँ, ये अजीब सी दिखने वाली मछली एक ड्रोन की तरह भी दिखती है। ये मछली साइज में इतनी छोटी होती है कि इसे बहुत से लोग आसानी से अपनी उंगली पर उठा लेते हैं। एक्चुअली ये 3 सेंटीमीटर लंबी मछली, जिसे समुद्र तट पर बहुत से लोग अपने हाथों में उठाने की कोशिश करते हैं। मगर ऐसी गलती आप कभी मत करना, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये फिश दिखने में छोटी होती है मगर ये इतनी जहरीली होती है कि इसका एक बाइट आपको मौत की नींद सुला सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपको ये समुद्र तट पर कहीं भी दिखे तो इन्हें क्यूट समझकर अपने हाथों में उठाने की कोशिश कभी मत करना। अब नंबर दो पर है ब्लू पॉइजनस डार्ट फ्रॉग। अब आप इस ब्लू कलर के मेंढक को देखिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ज्यादातर चमकीले मेंढक जो होती है वो जहरीले होती है। तो उन्हीं मेंढकों में से एक है ये ब्लू पॉइजनस डार्ट फ्रॉग। ये करीब 4.5 सेंटीमीटर लंबा मेंढक ज्यादातर जंगलों में देखने को मिलता है। एक्चुअली ये मेंढक एक तो पहले से ही जहरीले होते हैं, ऊपर से ये जंगलों में रहकर जहरीले कीड़ों मकोड़ों को खाकर और भी जहरीले हो जाती है। इसी वजह से इन मेंढकों का जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर ये इंसान को काट लेती है तो उतना जहर काफी है एक इंसान को मौत की नींद सुनाने के लिए। इसी वजह से अगर आपको जंगल में कोई चमकीला मेंढक दिखाई दे तो उसे आप छूने की गलती कभी मत करना। तो वैसे आपको इस मेंढक के बारे में कुछ कहना है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, और यहाँ तक वीडियो में आपको थोड़ी भी अच्छी जानकारी मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही में वो सब्सक्राइब वाली घंटी को भी जरूर दबा लें, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नंबर तीन पर है ब्राजीलियन वैंडरिंग स्पाइडर। वैसे तो दुनिया भर में स्पाइडर की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कई स्पाइडर्स आपको जंगलों में देखने को मिल जाएंगे और कई स्पाइडर्स हमारे घरों में पाई जाती हैं। लेकिन अभी हम जिस स्पाइडर की बात कर रहे हैं वो वाकई में मामूली स्पाइडर नहीं है, बल्कि इसे इस धरती की सबसे जहरीली स्पाइडर मानी जाती है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, इस स्पाइडर में एक स्ट्रॉन्ग न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है और ये जहर इंसान को पैरालिसिस करने के साथ साथ उसकी जान भी ले सकता है। हालांकि अगर इसका एंटीवेनम टाइम पर मिल जाए तो इससे इंसान की जान भी बचाई जा सकती है। लेकिन इंसान के लिए एक रिलीफ की बात यह भी है कि ये स्पाइडर ज्यादातर साउथ अमेरिका में पाई जाती है, जहाँ रहकर इनका सामना इंसानों से बहुत कम होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ जानवर जो दिखने में छोटे मगर बहुत जहरीले होते हैं, और इनका जहर इतना खतरनाक बताया जाता है कि अगर ये छोटे एनिमल्स अगर किसी इंसान को काट लेते हैं तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो वैसे आपको इन एनिमल्स के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट में बताएं, और यहाँ पर आपके सामने दो वीडियो आ रही होंगी जिसमें से आप चाहे तो लेफ्ट वाली भी देख सकते हो या फिर राइट वाली भी देख सकते हो। और यहाँ तक आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप चाहे वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ में वो सब्सक्राइब वाली घंटी को भी दबा सकते हो, जिससे आगे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वैसे आपको और कुछ भी पूछ रहा हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलती है अब अगली वीडियो में।